अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर शफीक और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शोर वी लॉग्स। मुझे तुर्की आए हुए तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं और कुछ महीनों से मैं यहाँ पर इंग्लिश टीचिंग की जॉब भी कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मुझे तुर्की में किन रास्तों पर चल कर इंग्लिश टीचिंग की जॉब मिली। मैं 12 दिसंबर 2019 को तुर्की आया था और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आया था जिसका नाम है आइजिक। आइजिक का टॉपिक एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लें कि मैं एक सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम पर तुर्की आया था कुछ वीक्स के लिए। जैसे कुछ वीक्स के बाद मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तुर्की में ही रहूंगा, पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुर्की का लाइफस्टाइल, यहां के लोग और यहां का कल्चर बहुत पसंद आया। तो सबसे पहले ज़रूरी ये था कि यहाँ पर कोई जॉब ढूंढी जाए। तो फिर मेरे तुर्किश फ्रेंड्स ने मुझे कुछ वेबसाइट्स बताई जहाँ पर ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर हर टाइम जॉब्स अवेलेबल होती हैं। एक दो हफ्ते तो मैं सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट्स पर ही अप्लाई करता रहा और कुछ लोगों ने मुझे कॉल्स भी की, लेकिन ज़्यादातर कॉल मुझे इस्तांबुल से आई। लोगों ने कहा कि आप इस्तांबुल आएँ, हमें मिले, इंटरव्यू दें, फिर हम सोचेंगे कि आपको रखना है कि नहीं। लेकिन मेरा इस्तांबुल जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मैं इज़मित में एक तुर्किश फैमिली के साथ रह रहा था और मेरी कोशिश यही थी कि मैं इज़मित में ही जॉब ढूंढूं और यहां पर ही रहूं। लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट्स पर इज़मित की जॉब्स काफ़ी कम थी। तो फिर मैंने अपनी सीवीज़ की काफ़ी सारी कॉपीज़ कराई और मुख्तलिफ कंपनीज़ और स्कूल्स में अपनी सीवीज़ ड्रॉप करना शुरू कर दी। पाकिस्तान में मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस था और मेरी इंग्लिश थोड़ी बेहतर थी, तो मुझे लगा कि इज़मित के अंदर मुझे इंग्लिश टीचिंग की तो जॉब मिल ही जाएगी। तो अक्सर स्कूल में जाकर पहले मैं यही कहता था कि पाकिस्तान से एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल टीचर आ गया है, आपके बच्चों को ऐसा पढ़ाऊंगा कि उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी, तो जॉब दे दें और मौका हाथ से ना गंवाएं। तो अक्सर लोग पहले मुझे यही कहते थे कि भाई आप अपनी सस्ती सीवी और सस्ता मुंह लेकर घर जाएं, वहां पर जाकर हमें ईमेल करें, अपनी सीवी और एक एप्लीकेशन प्रॉपर भेजें, फिर हम सोचेंगे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है कि नहीं। और कुछ लोगों ने मेरा ऑन द स्पॉट इंटरव्यू भी किया और 2 इंस्टीट्यूट ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप अभी हमें डेमो लेसन भी दें। तो मैंने कहा मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए थोड़ी तैयारी करके जाता था और मैंने 2 से 3 टॉपिक्स तैयार किए हुए थे जिन पर मैं कभी भी डेमो लेसन दे सकता था। I'm your substitute teacher, Mr. Garvey. I taught school for 20 years in the inner city. तो एक स्कूल में एक टीचर थी जिसने मेरे से 1.5 घंटा फुल लंबा इंटरव्यू किया। उसने हर लिहाज से मेक श्योर किया कि वाकई मुझे टीचिंग आती भी है कि या गप्पे ही मार रहा हूँ। तो जब उसे लगा कि मेरे अंदर कुछ थोड़े से टीचिंग स्किल्स हैं तो उसने कहा फिर आ जाएं ज़रा क्लास में, हमें डेमो लेसन भी दें, पता लग जाता कि आप कितने पानी में हैं। So don't even think about messing with me. Y'all feel me? तो फिर मैंने डेली रूटीन्स के टॉपिक पर फुल हैवी और बड़ा अच्छा डेमो लेसन दिया। शी रियली लाइक्ड इट और उसने मुझे कहा भी कि यू सीम्स लाइक अ गुड टीचर, लेकिन फिर उसने मुझे यही कहा कि फिलहाल हमारे पास जॉब्स नहीं है, इन द फ्यूचर अगर हमारे पास कोई जॉब हुई तो आई विल डेफिनेटली कॉल यू। उसने मेरा व्हाट्सएप ले लिया, मेरे से CV ले ली, सारी डिटेल्स ले ली, एंड पे ना कर दी, मायूस किया उसने मुझे। लेकिन आई वॉज हैप्पी कि मैंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू और डेमो लेसन दिया है, तो चलो आज नहीं मिली जॉब तो कल नई जगह ट्राई करेंगे, शायद कहीं और मिल जाए। तो ऐसे कुछ और दिन मैं और कंपनीज में भी ट्राई करता रहा। कुछ दिन के बाद इसी इंग्लिश टीचर ने मुझे कॉल की, उसने कहा कि हमारा एक फॉरन टीचर था मोरक्को से, वो वापस चला गया अपनी कंट्री में, एंड नाउ वी नीड अ फॉरन टीचर। मैंने कहा बल्ले बल्ले, वाई नॉट, आई विल ज्वाइन यू। तो फिर मिली आपके भाई को इंग्लिश टीचिंग की जॉब। इन्होंने मुझे सिर्फ पार्ट टाइम टीचिंग के लिए हायर किया, लेकिन इट वाज इनफ कि मैं यहाँ पर सरवाइव कर सकूँ, एंड आई वाज रियली हैप्पी कि एटलीस्ट मेरे पास कुछ पैसे तो होंगे और मैं यहाँ पर अपना निज़ाम चला सकूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लकी कि मुझे कुछ वीक्स के अंदर ही यहाँ पर इंग्लिश टीचिंग की जॉब मिल गई, अदरवाइज मे बी कुछ और मंथ्स भी लग सकते थे। और दूसरी चीज़ यह है कि मेरे कम्युनिकेशन के स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं और शायद इसीलिए मैं उसको कन्विंस कर पाया कि आई कैन टीच एंड ऑल दैट। तो पहले मैं आपको वो सारी वेबसाइट्स भी दिखा देता हूँ जहाँ पर मैं जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता था। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये है मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन और अब हम चलते हैं गूगल क्रोम की तरफ। तो सबसे पहली वेबसाइट जो मैं यूज करता था फॉर फाइंडिंग जॉब्स वो है साहिब इन दैन। यहाँ की बहुत ही फेमस वेबसाइट है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर लेनी है फ्रॉम तुर्किश टू इंग्लिश। अगर आप गूगल क्रोम पर ओपन करेंगे इसको तो गूगल क्रोम आपको खुद ही ये ऑप्शन देगा। तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद आप ये देखें लेफ्ट साइड पर
यहाँ पर आप अपार्टमेंट्स भी देख सकते हैं, गाड़ियों के प्राइस क्या है तुर्की में। यू कैन ऑल्सो फाइंड अपार्टमेंट्स फॉर रेंट ऑन साहिबंदान, और यहाँ पर इस कैटेगरी में आपने जाना है जॉब पोस्टिंग। इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन होता है ये जॉब्स पोस्टिंग का एरिया। कस्टमर सर्विस में आप चेक कर सकते हैं, आप एजुकेशन में सेलेक्ट कर सकते हैं, हम एजुकेशन में ट्राई करते हैं। तो लेफ्ट साइड पर ये आपको मजीद इंफॉर्मेशन आपसे फिल्टर आउट कर सकते हैं कि आपने कहाँ आप जो जॉब ढूंढना चाह रहे हैं एजुकेशन में, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू सर्च। एंड यहाँ पर हम प्रोविंस भी चेंज कर सकते हैं, हम सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर इस्तांबुल में देखना चाहते हैं तो हम इस्तांबुल में देख सकते हैं। तो हमने इस्तांबुल सेलेक्ट किया जस्ट टू फिल्टर आउट। इस तरह आप यहाँ पर ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एज अ फ्रीलांसर आप काम करना चाहते हैं या पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो उस कैटेगरी की जॉब्स ओपन होगी आपके सामने। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और कोई एम्प्लॉयर विदाउट एक्सपीरियंस ही वांट समवन टू वर्क फॉर देम, तो वो भी आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। इसके बाद हमने इस्तांबुल सेलेक्ट किया है और सर्च करते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी जॉब्स ओपन हो गई हैं। ये टीचर की जॉब है एंड लेट्स सी कि यहाँ पर कोई इंग्लिश टर्किश टीचर है, किंडरगार्टन का टीचर उनको चाहिए। सो देयर आर सो मैनी। ये हम यहाँ पर टीचिंग की कैटेगरी अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ टीचिंग में ही शो कराएगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप देखो ये फिटनेस ट्रेनर हर कोई सिलेक्ट है, तो हम यहाँ पर सिर्फ टीचर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लेट्स सी, इंग्लिश टीचर यहाँ पर देखो ये 18 सितंबर को इन्होंने पोस्ट की है ये जॉब, सो वी कैन ओपन दिस आप। तो यहाँ पर ये सारी डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताई हुई है कि 18 सितंबर को हमने पोस्ट की है इस्तांबुल, इस प्लेस पे हमारा स्कूल है या जो भी है, एंड दे नीड अ टीचर फॉर फुल टाइम। और एजुकेशन स्टेटस ये है कि एटलीस्ट आप ग्रेजुएट हो, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पर नीचे मजीद डिस्क्रिप्शन में उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वी आर लुकिंग फॉर अ फीमेल इंग्लिश टीचर हु विल वर्क फुल टाइम इन दिस ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपना प्रोफाइल बना लेना है, यहाँ पे साइन अप करना है, और प्रोफाइल बहुत देख के और बड़े तरीके से बनाना है, अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि अगर कोई एम्प्लॉयर आपकी सारी आपका सारा प्रोफाइल या रिज्यूमे रीड करे तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो और वो आपको कॉन्टेक्ट करे। तो इसी तरह आप यहाँ पर मुख्तलिफ सिटीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई ऑन दीज जॉब्स। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप इस जॉब को ओपन करें, यू कैन ऑल्सो अप्लाई हेयर, नहीं साइन अप जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन देगा कि अप्लाई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो राइट साइड पर है ये फोन नंबर्स हैं, इस जैनब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो औरत है ना, ये जो ये एम्प्लॉयर है एक्चुअली, आप इसको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है फोन नंबर्स व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं। तो इसको मैं दोबारा इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो दिस इज हर पॉकेट फोन नंबर, तो ये मोबाइल नंबर ही होगा और मोस्ट प्रोबेबली इसका व्हाट्सएप ही होगा, तो आप इसको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। यू कैन सेंड हर CV लाइक दैट। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि वो रिप्लाई बैक जरूर करते हैं और आपके साथ कोई इंटरव्यू वगैरह वो प्लान कर लेते हैं। और आप चाहे तुर्की में हैं या चाहे आप पाकिस्तान में हैं, यू कैन अप्लाई वेयर एवर यू आर। तो ये एक तो होगी सबसे फर्स्ट वेबसाइट, और ये बहुत हेल्पफुल वेबसाइट है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यहाँ से मुझे काफ़ी दफ़ा रिस्पॉन्स भी आता था साहिबंदान। और यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज भी सर्च कर सकते हैं। मैं बहुत दफ़ा अपने व्यूअर्स को और दूसरी वीडियोस में बता चुका हूँ कि साहिबंदान इज द बेस्ट वेबसाइट फॉर फाइंडिंग प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो ये थी वो वेबसाइट जो मैं यूज़ करता था फॉर फाइंडिंग जॉब्स, और अभी भी कभी बार यूज़ करता हूँ सीक्रेट CV। तो इसको भी आपने सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसलेट कर लेना, क्योंकि बिकॉज दिस इज ऑल इन तुर्किश एज यू कैन सी, तो यू कैन जस्ट ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश। इसीलिए आप ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं इनको गूगल क्रोम पर ओपन करना, दैट वे यू कैन ट्रांसलेट दिस वेबसाइट्स। और ये बहुत इजी है, यहाँ पर आपने सिटी सेलेक्ट कर लेनी है जोन सी सिटी में आप जॉब ढूंढना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस्तांबुल सेलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट इस्तांबुल। देन यू कैन राइट व्हाट एवर यू वॉन्ट, फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट इंग्लिश टीचिंग जॉब। तो हम लिखते हैं इंग्लिश टीचिंग, देन जॉब सर्च करेंगे, लेट्स सी व्हाट वी हैव। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस्तांबुल के अंदर जितनी भी इंग्लिश टीचिंग की जॉब्स हैं ये ओपन हो गई हैं, और यहाँ पर तो ढेर लगा हुआ है भाई। तो यहाँ पर हम इस फॉर एग्जांपल हम ये वाली जॉब ओपन करते हैं, एंड ये नीचे डेट्स भी आ रही हैं कब की ये अप्लाई किया, कब की पोस्टेड है, हम कोई लेटेस्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इट्स पोस्टेड टूडे,
तो इसको हम ओपन करते हैं, लेट्स सी। तो नाउ यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि अमेरिकन लाइफ लैंग्वेज हमारा स्कूल है, इस एरिया में है, एंड वी नीड फुल टाइम एट द सेम टाइम वी नीड पार्ट टाइम इंग्लिश टीचर। लेकिन यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन भी मांग रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी डिग्री आपने की हो एजुकेशन में या टीचिंग में, और आपके पास कोई टीचिंग का सर्टिफिकेट भी हो लाइक टोफल एनीथिंग, यानी दे नीड प्रोफेशनल्स इन अदर लैंग्वेज। तो इस तरह आप इनका क्राइटेरिया भी पढ़ सकते हैं, एंड अगर आपको सूटेबल लगे और आपको लगे कि यू हैव दीज ऑल सर्टिफिकेट्स यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। अदरवाइज आपको यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पर उनको नहीं जरूरत है किसी भी सर्टिफिकेट की एंड यू कैन जस्ट अप्लाई। तो थोड़ा देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, बट डेफिनेटली यू कैन फाइंड। फॉर एग्जाम्पल दी एक और जॉब ओपन करके देख लेते हैं हम, मे बी दे डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं सर्च करता था मुझे ऐसी मिल जाती थी, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो हैव अ टोफल सर्टिफिकेट, तो मुझे इतना कोई मसला नहीं है, बट स्टिल यू कैन फाइंड। बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, दे ऑल्सो नीड वर्क परमिट। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर भी आपने सबसे पहले प्रोफाइल बनाना, इट कैन टेक 1 hour, 2 hours, बट बी केयरफुल, मेक योर प्रोफाइल वेरी केयरफुली, ताकि जो एम्प्लॉयर आपका जब CV पढ़े तो ही गिव यू अ कॉल बैक। हाँ, यहाँ पर एम्प्लॉयर्स की एक्चुअली इन्फॉर्मेशन नहीं आती, फोन नंबर्स वगैरह नहीं आते, लेकिन साहिब इंदान में आपको फोन नंबर्स मिल जाते हैं राइट साइड पे, एंड मोस्ट ऑफ टाइम दिस इज व्हाट्सएप नंबर, तो आपको कॉल करने की भी जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे यू कैन टेक्स्ट देम, यू कैन सेंड देम योर CV, जो भी मसला मसाइल होगा दे विल कॉल यू। और तीसरी वेबसाइट ये है जो मैं यूज करता था, career.net, दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, और यहाँ पर भी बेतहाशा जॉब्स होती हैं। यू कैन ट्रांसलेट दिस टू इंग्लिश फर्स्ट, और वो सेम ही तरीके का है, फर्स्ट आपने सिटी सेलेक्ट करना है, देन यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ जॉब, इंग्लिश टीचिंग की नहीं तो फॉर एग्जांपल यू कैन सर्च फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, या आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपकी फील्ड है, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, यू कैन सर्च एनीथिंग। कस्टमर सर्विस पे एक दफ़ा सर्च करके देख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन कस्टमर सर्विस। सो लेट्स फाइंड आउट, तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमर रिलेशंस, तो एज यू कैन सी इस्तांबुल में आपको ये काफ़ी सारी जॉब्स इससे भी रिलेटेड मिल जाएंगी, एंड दे आर सो मैनी जॉब्स। तो ये वाली वेबसाइट्स आप जरूर यूज़ करें, दिस विल रियली हेल्प यू आउट, चाहे आप तुर्की में हैं या पाकिस्तान में हैं, यू कैन अप्लाई देम ऑन दीज वेबसाइट्स डेफिनेटली। इसके अलावा आप लिंक्डइन भी यूज़ कर सकते हैं, एंड देर आर फ्यू मोर वेबसाइट्स, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वेबसाइट्स के लिंक्स दे दूंगा। तो आपको अपनी इतनी लंबी कहानी सुनाने का मकसद यही था कि समटाइम्स यू कैन बी लकी, आपको जॉब जल्दी भी मिल सकती है, और समटाइम्स आपको कोई आइडिया नहीं होता कि कितने महीने लगेंगे और कब जॉब मिलेगी। और इंग्लिश टीचिंग की जॉब ढूंढना इतना आसान भी नहीं है, अगर आपके पास वाकई टीचिंग का एक्सपीरियंस है और आपको वाकई इंग्लिश टीचिंग आती है तो शायद फिर आपको जॉब मिल जाए। अदरवाइज वो इंटरव्यू और डेमो लेसन में ही समझ जाएंगे कि आपको टीचिंग नहीं करनी आती है, यू आर जस्ट लाइंग, बिकॉज टीचिंग इज अ डिफरेंट प्रोफेशन एंड इट इज मोर डिफिकल्ट टू फाइंड अ टीचिंग जॉब इन एन अदर कंट्री। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और एक और चीज़, पूरी दुनिया में मचाओ अपनी कामयाबी का शोर, और अगर कोई तुम्हें रोके तो उसे कहना खामोश। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, शोर आउट।